घर त्यागना है तो जो जो अपने घरों में रहते हैं ना सब रूम ले लो रे, या घर में कोई नहीं रहेगा, सब हॉस्टल के अंदर रहेंगे, सब पीजी के अंदर रहेंगे। हाँ पीजी में रह रहे हो? हाँ ऐसी कम करवाए। अच्छा इसमें भी संयम का पालन करना है। हाँ भाई सही है, ज्यादा लग्जरी में नहीं जीना आपने, ऐसी बंद कर दो रे। ले भाई कर ऐसी को। हाँ जो जयपुर के वो भी रूम लेके रहो, घर के अंदर पढ़ाई नहीं होती। घर में तू पंचायती करती होगी, शाम को मम्मी लगाती होगी ठामड़े मान जी इधर आ गए। नहीं लगाती है ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर ठीक है। अच्छा इसने एक दिन पीजी का हाँ पीजी वाले तो अल्पाहारी होते हैं, क्योंकि पीजी वाला खाना तो जिंदाबाद होता ही है ना, वो जो आपको आलू में बैंगन मिला मिला के देते हैं है ना। हाँ दाल में चुप्पी लगानी पड़ती तेरा की, जो स्विमिंग जानता है वो तो दाल खा सकता है, पीजी की दाल खाने के लिए आपको स्विमिंग आनी जरूरी है, डूबी है नीचे एक अगर दाना आए तो निकाल के लाइए तो अपने दाल तो बढ़े तो उस दिन सीधा सीधा काम क्या करो, दाल को मोटे कटोरे वटोरे लेके पी लिया करो तो पेट भी भर जाएगा और कि वाह पी लीजिए सेवा, क्योंकि दाल तो है नहीं है तो पानी तो पी लिया जाए यार पानी को। हाँ क्या क्या अच्छा नमक अलग से दिखता रहता है। अच्छा इतना नमक ज्यादा डालते हैं? डालते ही नहीं है भाई रे, पीजी वालों का क्या करें भगवान दान। हाँ एक पीजी खोल ले। हाँ और जबकि मुझे यह लगता है कि पीजी वाले जो होते हैं ये केवल और केवल खाना अच्छा दे दे। हाँ? नहीं अरे समझ नहीं, मैं कहता हूं यदि ये खाने को अच्छा कर दे है ना, बाकी सुविधाएं भले ही टापर कोई थी ना मिले तो भी बच्चे ज्यादा सुखी रहेंगे ना। जबकि किसी पीजी के अंदर कोई पीजी वाले जैसे मेरे पास कई आते रहते पीजी वाले कि सर ये लो हमारे पीजी के कार्ड, और हमारे जब बच्चे आपके पास जब बच्चे हैं वो आपसे पूछे पीजी कौन सा लेना, सर हमारा पीजी बताना उनको, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि कार्ड की जरूरत ही नहीं है, स्प्रिंग बोर्ड में इतने बच्चे हैं कहीं ना कहीं तो रहेंगे, तो तुम्हारा आसपास का जो पीजी होगा वैसे आ जाएंगे यार, जिसको जरूरत होगी वो ढूंढ लेगा, तो तुम्हारा पीजी कभी खाली रहेगा नहीं, और देख लो अपने आसपास के पीजियों की हालत, सब भरे हुए बैंकर वाले भरे हुए। पर मैं हर पीजी वाले कहता हूँ जब भी कोई मेरे पास आता है कि यार मैं भेज दूंगा, तू कह रहा है तो कार्ड रख जा, कार्ड यहाँ बाहर पड़े होंगे हम तो बांटते हैं सबको बांट देंगे, पर यार क्या भेजें बच्चों को तुम्हारे पास, तुम खाना इतना रद्दी इतना घटिया देते हो कि हमारे तो आत्मा अंदर से कांपती है कि यार बच्चों कैसे कहा जाए कि तू उस पीजी के अंदर चला जा। तो पीजी वाला मेरे साथ, अरे सर क्या बात की आपने, आप बच्चों से पूछ के देखो सर हम खाना कैसे देते हैं। मैं कहूं ये गलत फहमियां निकाल देना, और कभी मेरी बेंच में आकर बैठ जाना क्लास में चुपचाप आगे बैठ जाना, और फिर मैं तुम्हारे वाले पीजी का नाम लेके पूछ लूंगा कि इस पीजी का खाना कैसे है, और यदि बच्चों ने इतनी भुंडाइयां की तो शर्म से मर जाओगे वहां बैठे बैठे, तुम्हें पता चलेगा कि हम खाना कितना घटिया देते हैं। और मैंने कहा मैं तो यार खुद रहा हुआ हूं कि पीजी के अंदर भी रहे टिफिन भी खाया हुआ है, तुम्हारी बाकी सब चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है कि अटैच लेट बात नहीं है कोई बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों की भी आवश्यकता नहीं है ना, तुमने एक कमरे के अंदर छोटे कमरे में भी तीन को डाल रखा उसमें तो भी स्टूडेंट्स होता है, कोई नहीं अपने को तो अपना सोना है, स्टूडेंट लाइब्रेरी चला जाता है वहां जाके पढ़ लूंगा, पर यार खाना तो तुम्हारे पास ही खाएगा, खाना खाने के लिए कहां जाएगा, तुम केवल खाना अच्छा दे दो इसके अलावा और कुछ ही नहीं। और मैं कहता हूं ढंके से ढंका खाना भी देना तो भी महीने भर की डाइट 2000 ज्यादा नहीं आए कि बच्चों को सबसे अच्छा खाना दिया जाएगा, इससे अच्छा कुछ खाना दिया ही नहीं जाएगा, तो भी 2000 रुपए ज्यादा की डाइट नहीं है, पर इनके भगवान जाने कहां से कौन से रुपए बचाने होते हैं, उस खाने को इतना रद्दी करते हैं मुझे लगता है वो खाना 600 में मिल जाए। तो पहले सबसे पहले तो ये करते हैं सब्जी मंडी जाते हैं शाम को, जब सारी सब्जियां गलगुला जाती है तब जो लास्ट में बची भी होती है वो तो लाते हैं बाद में सब्जियां, तो उन सब्जियों का टेस्ट वैसे ही खत्म हुआ रहता है, थोड़ा ढंग की सब्जी ले आए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रुपए हो जाए। भाई हर पीजी का रेट 6000 तो कम से कम हो गए भाई, अलग अलग होगा, किसी का 6 होगा किसी का 7 होगा किसी का 8, 6 से 8 के बीच में तो है, 10 भी है। अच्छा लग्जरी वाले लोग हो 10 भी देते हो, 14000 भी है। हे भगवान 14000 वाले पीजी में कौन रहता है आप में से? ओ नो अमीर लोगो, हमें आज पता चला तुम इतने अमीर हो, चलो उधार ले लेना इनसे रुपए, तुम्हें कभी आवश्यकता पड़े इन अमीर लोगों से उधार लेना, अपने हमारी जिंदगी कट गई 4000 वाले पीजी में, तुम 14000 वाले में रह रहे हो। हाँ
तो भाई आप कुल मिला के 7,000 मान लो, 7-8,000 तो अपने पीजी का, तो मैं कहता हूँ मान लो 7,000 भी किसी पीजी की रेट है, 7,000 है तो एक कमरे में कितने, 2 लोग, 2 या 3 लोग है। अब उस 7,000 में से यदि कोई बंदा, एक बंदे जिसे 7,000 ले रहा है उसको खाना अच्छे से अच्छा दे दे तो कितने रुपए लगे, 2,000, 2,500 रुपए, और ज्यादा क्या होगा इससे, फिर भी उस बंदे के पास में कितने रुपए बच रहे हैं, 4,500-5,000 रुपए तो बच रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, लाइट का हो सकता है, पानी का हो सकता है, हा? वो अलग से 7,000 के अलग से लाइट बन, अरे आपने तो, मैंने तो बताया था ना आपको, मेरे तो ये कई बार सर को कहा है कि सर ये बच्चों के खाने के लिए एनपीजी न होने चाहिए, पर अपने को कॉल लेना चाहिए, फिर सर मुस्कुरा कर देंगे, अच्छा मतलब ये पैसे भी तू ही कमाएगा, अरे यार अपने से संभलेंगे नहीं, अपने जो काम कर रहे हैं इसको अच्छा कर ले, वरना इसके अंदर कहीं अपने कमी आएगी, फिर अपने उधर पीजी संभालते घूमेंगे, सब्जी ला रहा है अपने ये लाते भी रहेंगे, तो वो वाले, और मुझे लगता है लड़कों वाले पीजी में तो जोर ही नहीं आए, तुम्हारे लड़कियों वाले पीजी चलाने टप है, मेरे जितने दोस्तों ने पीजी खोले उन्होंने लड़कियों वाले पीजी बंद कर दिए, कि किसी बंदे ने मान लो एक लड़की का लड़कियों वाला पीजी खोला, एक लड़कों वाला पीजी खोला, बाद कोई जानकार बाद में कभी मिल गए कि पीजी तुम्हारा कैसे चल रहा है, उन्होंने कहा अरे मस्त चल रहा है, बॉयज पीजी अपना शानदार चल रहा है, गर्ल्स वाला बंद कर दिया, क्यों बंद कर, अरे पंचायती यार फालतू की, क्यों पंचायती, अरे लड़ लेती है आपस में एक दूसरे से, और भयंकर लड़ती यार एक दूसरे से, बनती तो है नहीं इन लड़कियों की, यार भैया इसने मेरे को ये कह दिया, भैया इसने मेरे को ये कह दिया, भैया आज हमारे ये नहीं है, भैया आज नल नहीं काम कर रहा, ये नहीं कर रहा, लड़के इस मामले में जिंदाबाद है, पहले उनका पंखे काम नहीं कर रहे, 2 कमरों का पंखे काम नहीं कर रहे, एक कमरे में नीचे लगा है बिस्तर, एक कमरे में हमने कूलर लगा रखा, सारे उसी में सो रहे हैं, सो जाएंगे यार यहाँ पे सो जाएंगे, हाँ तो लड़कियों तुम्हारी ये पंचायती हो रही, तुम्हारी ये शिकायत है, तुम लड़ती हो, नहीं नहीं लड़ती तो, लड़कियां आपस में कभी अच्छी दोस्त नहीं होती है, क्या है लड़कों से ज्यादा होती है, ये तो मैं आसपास में नहीं हूं, देखता ही हूं कि आप अभी कोई 2 लड़कियां साथ बैठती है ना, तो वो साथ में मिलने आएगी, साथ में आंसर चेक करवाने के लिए आएगी, अब मान लो एक एग्जाम हो गया, बेच खत्म हो गया, और हो गया, उसके बाद में कभी उनमें से कोई एक आई तो हमारे दिमाग रहता है इसके साथ एक बच्ची और आती थी, अरे अरे वो तुम्हारे दोस्त कहां पे, पता नहीं पता नहीं मतलब, तो सर वो अपने घर चली गई, हाँ ठीक है घर चली गई, पर उसके बाद सर उसके बाद तो कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, लड़के कई बार तो वैसे सर ये है ना मेरे साथ दूसरी में पढ़ता था हालांकि मैंने एक दिन कहा तो एक लड़की ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, उसने कहा सर इसका कारण ये भी है कि लड़कों के पास इस प्रकार की स्वतंत्रता है कि वो अपने दोस्ती को मेंटेन कर सकते हैं, दोस्ती को कंटिन्यू कर सकते हैं, कि अब आप जयपुर रहते हो सर और आपका कोई दोस्त आया और उसने दोस्त ने फोन किया कि मैं सिंधी कैंप वहां जा, तो आप उसे मिलने जा सकते हो, क्या कोई लड़की अपने घर से सिंधी कैंप दोस्त से मिलने जा सकती है, लड़की से मिलने जा सकती है, कि नहीं भाई हम ये तो नहीं जान दे रहे, घर वाले मना कर देंगे, कौन है किस लिए है क्यों जाना है क्यों जाना है, सुबह नहीं जाना शाम को नहीं जाना, इस प्रकार की 100 पंचायतियां होती है, तो सर इसलिए कंटिन्यू नहीं होते, पर फिर भी कुछ लड़कियां होती भी खोड़ ली है ना, मरने दे रहे अपने अपने में राजी है एकदम, तो तुम लड़ाई कम क्या करो भाई, ऐसे ही हूँ लड़ाइयां नहीं करनी है अपने, और लड़कियों वाली लड़ाई भयंकर और होती है ना, लड़कों वाले में तो गालियां मारिया निकाली हुई मारू मारी ऐसे करकुरा के छोड़ देते हैं, इधर तो यू भाई रे एक दिन ऑफिस में लड़ ली 2-3, हम तो सारे ऑफिस छोड़ के बाहर भागे, हाँ ये भाई छुड़ा भी भाई लड़कियों छुड़ाए भी कैसे जागे, तो बाहर से मेडमैन थी उन 2-3 का रहे छुड़ाओ जागे थे, और निकले तो इधर जुड़ के हमारे लड़कों वाली लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा गाली गलौच होता है, 2-4 इधर से गालियां, एक आधे किसी ने गला वाला पकड़ लिया, एक आधे मार मुड़ी, तो वही 2-4 मार ही देता है, इतना ही होते हैं बाकी ज्यादा कुछ ही नहीं होता, वरना लड़कियों वाली लड़ाई में पता चलता है लड़ाई हुई है, लड़कों वाली भी तो मान लो थप्पड़ ऊपर खा लिया, बाल बाल केस सेट रेडी, पता ही नहीं चल रहा लड़े थे कि नहीं लड़े थे, इधर जरों की लगे हुए हैं, हाँ तो लड़कियों थोड़ा है, लड़कियों लड़ाई
अच्छा एक दिन मैंने पैसे देने वाला भी बता दिया था कि लड़कियों का, चलो सॉरी शक्तिमान लड़कियां नहीं लड़ती भाई, मैं झूठ बोल रहा था ना। चलो अगला राजा लिखो, अरुणो राज करेंगे भाई, पीजी का तुम्हारे को इंतजाम करेंगे, किसी कहेंगे कि कोई अच्छा, आज साल भर बाद, दो साल बाद कभी तो जो कुक होता वो भी एक्सपेरिमेंट करता रहता होगा। नहीं तो इससे अच्छा तो तुम्हारे वो नहीं रहता क्या कि तुम कोई दो तीन लोग मिलके एक रूम ले लो, कहाँ तो कुक रख लो, आता ही क्यों क्यों नहीं है। अब दे यार इतना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़े। अब आपको ये लगता है कि सर सामान भी कौन लेके आए, तो यूं आलसियों की तरह पड़ा ही रहना है अपने को कि हम तो राजाओं की तरह पड़े रहेंगे, और फिर एक आदमी आकर कहता है सर महाराजा धीराज खाना खाने के लिए पधारिए, और महाराजा धीराज गए जो कच्चा पक्का बनाना खा गया। भाई मैं ना इस पीजी वाले में इसमें हद से हद छह एक महीने रहा हूं, कि छह एक महीने जो था वो एक बार एक पीजी के अंदर रहे थे कि कोई मैं आया था शायद गांव से वापस, और रूम वूम हाथों हाथ कोई मिला नहीं, कहां जाए, कोचिंग शुरू हो रही थी इधर, कोई आईएएस का बेस था वो शुरू हो रहा था। फिर एक भैया ने कहा थोड़े दिन मेरे साथ शिफ्ट हो जा, उन भैया की टिफिन आता था तो पीजी टाइप का टिफिन वाला खाना खाया, पर मैं तो उससे तंग हो गया था, भयंकर वाला तंग हो गया, तो फिर मगर बाकी मैं सिक्स क्लास से बाहर रह रहा हूँ, ये पांचवी तक की वाली घर पे पढ़ाई गई, सिक्स क्लास से बाहर, तो उसके बाद में रूम लेके रहते, खाना बनाना तो सीख गए थे तुम तो खुद ही बनाते, ट्वेल्थ तक तो खुद का बनाया हुआ, पर चलो खुद तो अब नहीं बनाना, आपने खुद बनाओगे तो बाद में पढ़ाई नहीं होगी, पर उसके बाद ट्वेल्थ वाला मेरे जो कॉलेज वाला टाइम और बाद में तैयारी वाला टाइम, तो रूम लिया कोई तीन चार लोगों ने मिलकर रूम लिया, दो रूम ले लिए चार लोगों ने, एक कुक रख लिया, सुबह शाम सब्जी तो ला के देनी है उसको, बाकी मिर्च मसाले एक बार ला के रख दो तो बाद में पड़े रहे वो थोड़े दिन, और जब वो कुक होता है वो बता देता है खत्म होने वाले, तो और ला दो, दुकानें भी आसपास ही होती है और बना के चला जाता है। और मान लो रूम लेते हैं जैसे आपने, तो कोई आसपास, अब तो मुझे लगता है रेट वेट ज्यादा हो गई होगी, हमारे टाइम में जब हम रहते थे तब लड़कों में, हाँ यार इस मामले में लड़कियां सही है, हाँ ये पता नहीं क्या है कि सफाई, हाँ ये सफाई वाला कारण लगता है कि भाई लड़कियां कमरों में सफाई रख लेती है और लड़के सफाई, पर इसमें वो भी है कि भाई लड़कियां अकेली है तो उनके पास कोई इधर उधर से कोई दूसरी लड़कियां रहती नहीं है, लड़कों का भी हो सकता है कि सैटरडे करे भाई आज इधर ही रहेंगे अपने, इंजाम है पूरा भाई के पास, 8 बजे से पहले पहले आ जा रहा हूं तो तो मकान मालिक को ये और लगता है हमेशा, तो मकान मालिक ये तो करता है कि भाई मकान मालिक होंगे लड़की गर्ल्स जगह जगह लिखे होंगे, टूलेट फॉर गर्ल्स है ना, टूलेट फॉर फैमिली, कहीं नहीं एक जगह भी नहीं होगा टूलेट फॉर बॉयज, ऐसा बहुत रेयर रेयर ही कोई होगा जहां पे लगाते होंगे, फैमिली वाला तो हम कहीं रूम लेने जाते कि टूलेट फॉर फैमिली, तो हम हमेशा कहते हाँ फैमिली है, तो क्या फैमिली में चार भाई है इसको फैमिली नहीं कहते, फैमिली भाई साहब जो फैमिली है वैसे ही आओ यहाँ पे रहने के लिए, तो पर लड़कों को फिर भी रूम वाले में दिक्कत आती, लड़कियों को फटाफट ही मिल मिला जाते, फिर वो लड़कों की दिक्कतें फिर वैसी ही होती है। पर एक तो मैं आपको लड़कों को तो सबको मैं मंत्र दूं एक, कि अक्सर क्या होता है रूम लेने जाते हैं तो मकान वाली खूब सारे सवाल पूछता है, तो ये तो मैंने ना ऑब्जर्वेशन करके मैंने खुद के सवाल तैयार कर लिए थे, अब तो मैं यूं दाढ़ी वाड़ी रखने लग गया, स्टूडेंट लाइफ में नहीं रखता था तो इतना ही लगते भी नहीं थे कि शक्ल से भूंडे हुए थे, थोड़े ठीक ठाक से लग जाते थे, तो मैं कभी किसी मकान मालिक के पास गया तो बहुत ही पोलाइटली जाके अंकल नमस्ते नमस्ते चरण स्पर्श किया, तो कोई हो आपने चरण स्पर्श करने में क्या देता है, जैसे बुजुर्ग आदमी अच्छा अच्छा बेटे क्या मैं को ये टूलेट देखा था हम रूम लेने थे, क्या करते हो, तो एक तो ये अपने वाले में सबसे भयंकर तो एक सिविल की तैयारी करते हैं, तो ये इंप्रेशन एक खतरनाक इंप्रेशन होता है कि वो मैं आरएसआईएस की तैयारी करता हूँ, अच्छा 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 तो ठीक है, तो बेटे कितने लोग रहोगे, कि अंकल हम लोग तो तीन रहेंगे पर मैं थोड़े से आपसे कुछ बातें पूछना चाहता था, फिर हम आगे की बात करें किराए विराए की, हाँ हाँ बेटे बताओ, कि अंकल आप ड्रिंक तो नहीं करते तो क्यों, कि अंकल एक्चुअली क्या है कि पहले एक हम रूम में रहा करते तो अंकल ड्रिंक क्या करते थे, फिर वो शाम को आपको पता ना सिविल की तैयारी है यू नो शाम को फिर थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ और इसके अंदर ये नहीं होता तो ये थोड़ा सा ठीक अंकल, अरे अरे नहीं नहीं मैं तो कभी कभार अंदर ही हमारे हो जाता है नॉन वेज, अंकल नॉन वेज नहीं चलेगा, एक्चुअली क्या है मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाता हूं
इसलिए यदि नॉन वेज वाला होगा तो थोड़ा मेरे नहीं चलेगा। अंकल बैक फुट बात, अंकल नहीं हम तो खुद ही नहीं खाते, हम तो अंकल छोटे बच्चे तो नहीं है आपके? क्यों छोटे बच्चों क्या अंकल, वो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है आपको तो पता ही है ना, सिविल की तैयारी। तो अंकल इतना बैक फुट पे रहता है कि वो आपसे सवाल पूछने की स्थिति में नहीं होता है। फिर वो ज्यादा ज्यादा किराए वाली बार्गेनिंग कर सकता है, किराया एकदम अपने को सही भी लगता है। मुझे हमेशा लगता है मतलब मैं सोच के जाता यार 7,000 तक का लेना है, और यदि रूम अच्छा लग जाता भाई 3 जने रहेंगे 7,000 किराया दे देंगे, 2,000 रुपए पंथी आ जाएंगे। थोड़ा रूम अच्छा लग गया, उसने यदि 7,500 भी बता दिए तो मैं हमेशा मान लिया करता था कि हाँ हाँ अरे अंकल 7,500 क्या बात करते हो, देंगे आपको 7,600 ले लेना, पर अंकल ये मेरी बातों का थोड़ा ध्यान रखना। तो अंकल अपने से सवाल पूछने की स्थिति में तो कभी आया ही नहीं। प्रॉब्लम कई बार वहां होती थी जहां आंटी होती, लुगाइयां खोड़ ली होती, अरे भाई रे उनके बाद वैसे यूं अलग सी प्रकार की होती थी। सफाई कैसे करोगे, सब्जियां काटने के बाद कहां फेंक के आओगे, खाते हैं हम काटने को खा लेंगे, छिलके खा लेंगे हम, कहीं ना कहीं तो फेंकेंगे आंटी, इसमें क्यों लोड ले रही है ऐसा कहां फेंक के आओगे, कचरा कहां फेंक के आओगे, भोजन में मिला लेंगे और क्या करेंगे हम भाई तुम बता देना, तुम भी तो तुम्हारे घर का कचरा कहीं ना कहीं फेंकते हो, तो तुम फेंकते हो वहां, हम फेंक क्या देंगे यार डस्टबिन के अंदर। पर उनके वो थोड़ा थोड़ा खोड़लापना सा होता ही है। वो तो मैं बता ही रहा था, बाढ़ वाला नहीं बताया था मैंने, वो एक गुप्ता आंटी थे हमारे, उन गुप्ता आंटी ने इतना तंग किया हमें, इतना तंग किया कि हमें वरना हमेशा हमने मकान मालिक को तंग किया, मतलब हमेशा हमारे मकान मालिक ने हमें थोड़े दिन बाद कहा था राम रूमी है तुम निकल जाओ यहां से। उस आंटी ने हमसे रूम छुड़वाया था, हमने लास्ट में कहा था आंटी हम छोड़ेंगे रूम ये, और हमसे एडवांस 1 महीने करा हुआ, खाजा भले ही तू हमारा, हमसे तेरे रूम में नहीं रह जाता। मतलब वो आके इतना टॉर्चर करते, इतना ज्यादा टॉर्चर करते, वैसे आके की रसोई में आके चेक करते तुम्हारे पास थाली कितनी है, एक कटोरिया में है नहीं, तो तुम सब्जी किस में लेते हो थाली में, रोटी किस में लेते हो थाली में, दही वगैरह नहीं खाते खाते हैं ना, तो इसको किस में लेते हो थाली में तीन लोग एक ताली में कैसे कहते हो भाई है, प्यार बढ़ता है एक साथ चूर चूर के खाते हैं इसमें अरे अरे मुंह बिगाड़ के वैसे हाँ हाँ। मेरे एक सीनियर थे वो हंसते कि ये तो बढ़िया रहा, इसने अपने रूम पे थाली तो देख ली, वरना पिछले रूम पे तो अपने पास परात थी थाली तो अपने लाए नहीं थे, साथ रहते थे परात में चूर चूर के तो वो आंटी जरूर इतना तंग किया उन्होंने, इतना तंग किया हमें कि हम बाद में छोड़ छाड़ ही चले गए थे वहां से। पर होना चाहिए भाई, तो तुम यदि रूम वाला करो तो सबसे अच्छा रहे, पर तुम कहते हो कि हम तो आलसी हैं, हमसे तो सब्जी लाई नहीं जाएगी, तो सब्जी नहीं लाई जाएगी तो बात अलग है। बाकी रूम ले रहा करो यार, आस पास में रूम देखा करो, है उनको साथ दे तो भी नहीं दे, थोड़ा साइड में मिल जाए भाई। होता क्या है कि एकदम पास वाले जो होते हैं ना वो ज्यादा नखरे दिखाते हैं, जो कोचिंग के पास में होंगे ना उन लोगों के ऐसे नखरे खूब होंगे। यार दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो रूम देने वाले, एक जो रूम नहीं देने वाले। जो रूम नहीं देने वाले होते हैं उनका एटीट्यूड तो और भयंकर होता है, वो तो कोचिंगों पे वैसे ही खार खाए हुए रहेंगे। ये जो कोचिंग के बच्चे होते हैं ये परेशान करते हैं, जो कोचिंग के बच्चे होते हैं ये घंटी दबा के भाग जाते हैं हमारे घर की, और ये सारे दिन इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं गलियों में, शोर करते हैं, पार्क के अंदर बैठे रहते हैं, और हमें इस प्रकार के लोग पसंद नहीं है। और जो रूम देते हैं उनको लगता है हमारी तो डिमांड बढ़ी हुई है, तो उनके बाद में वो होता है हम तो 7,000 लेंगे, थोड़ा सा साइड, तो गलियों के अंदर थोड़ा सा आप साइड में चले जाएंगे, यार इतना अप डाउन तो ही जाता। ऐसे हम जब लाल कोठी कोचिंग हुआ करती तो हमारे साथ वाले सारे रहते इमली फाटक, इमली फाटक पे रूम लेते तब स्थिति वैसी थी, एक कमरा छोटा सा कमरा 3,000 का कमरा, दो लोग ही रहेंगे एक आदमी भी रहेगा वैसा था। हम बाद में जाके रहने लगे मालवीय नगर, मालवीय नगर वहां से पड़ता तो 8-9 किलोमीटर, तो वो तो होता था कि हमें बस में आना पड़ता, तो सिटी बस तो आधे घंटे वाला टाइम खा जाया करती थी, पर हम वहां ढंग से रहते। वहां फिर हमारे 3 रूम लिए हुए थे, हम वहां उन 3 रूम के अंदर 4 लोग रहा करते थे, और शायद 7,000-1,000 किराया था, 2010-11 के आसपास की बात है, 7,000 रुपए किराया देते, पर 3-4 लोग रहते 7,000 किराया लेते, तो वही लगभग 2,000 रुपए का हुआ करता था। 2,000 रुपए का मान लो हम और खर्चा कर देते तो हम 5,000 में रह जाया करते थे उन दिनों में। अब बढ़ गया हालांकि आपके 5,000 में नहीं रह पाओगे भाई, महंगाई भी तो बढ़ी है, कमरे का किराया बढ़ गया, तो 8,000-1,000 तक जाते जाते आराम से हो जाता है। पर मैं कहता हूँ पीजी में दी 7 दे और वहां पे दी 8 दे तो खाना तो अच्छा है, कम से कम पेट तो ढंग से भर जाए, वरना बात वहीं पड़ती है। पीजी वाला खाना खा के थोड़े दिन में बीमार होते हैं,
बीमार होते हैं तो बाद में दवाइयों वाला डॉक्टर ले जाता है, वरना उधर डॉक्टर वाले बच बुच आ जाएंगे। इसलिए कोशिश किया करो आसपास में रूम लो, रूम लेके रहो, और फिर उसमें अपना है कि अपने हिसाब से पढ़ना, अपने हिसाब से उठना, अपने हिसाब से बैठना उसके अंदर। वरना पीजी में वो पंचायती भी रहती है कि तीन अलग अलग प्रकार के लोग आ गए आपके रूम में, और मैं लाइट बंद करूंगा। और कई तक खोड़ ले होते हैं, वो केवल इसलिए लाइट बंद कर देते हैं, ये नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। कई डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ दे आगे साइड के अंदर, पर वो करता है ये बात। तो लिखो आगे अरुणोराज, 15 बना आगे आपका अरुण। मैं मतलब तुम्हें रूम लेना भी सिखाऊं यार, क्या क्या करना पड़ता है।